हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड स्टिचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने मेरी और भी वीडियोस को जैसे कुकिंग, स्टिचिंग और मेहंदी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको सादा ब्लाउज की कटिंग बताई थी और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सूट या ब्लाउज के गले पे जो पाइपिंग बनती है उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि गले पे आसानी से पाइपिंग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई लेंगे, जो मैंने 2 इंच लिया हुआ है। उसके बाद जितना लंबा आपको गला चाहिए उसके हिसाब से आप उस पर निशान लगाएंगे। मैंने 9 इंच पे लगाया है। और जो गले की गहराई रहेगी मैंने 3 इंच लिया है। उसके बाद हम उसको ऐसे चौक से डॉट कर लेंगे। फिर इसको मैं ऐसे गोलाई में शेप देके इसकी कटिंग करूँगी। ऐसे शेप देने पे हमें एकदम अच्छे से गले की कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको मैंने ऐसे काट लिया है और देखिए मेरा जो ब्लाउज का जो गला है वो ऐसे इस तरीके से आएगा बनने के बाद। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पाइपिंग को कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे पहले मैं इस पर सिलाई कर लूँगी ताकि कपड़ा अलग अलग ना हो, दोनों एक ही में अटैच हो जाए। आप चाहें तो आप इसको फेविकोल से या फिर किसी चीज़ से चिपका भी सकते हैं। ऐसे सिलाई करने के बाद जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो कोई भी आगे या पीछे का जो इसमें जो कपड़े हैं दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही साथ अच्छे से बैठ जाएंगे। देखिए सिलाई हो गई है। अब पाइपिंग बनाने के लिए हम ऐसे तरह एक तरफ से ऐसे सिलाई कर लेंगे जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब सिलाई हो गई है जो मैंने पट्टी काटा हुआ था। अब उसके बाद जिधर से सिलाई नहीं है उधर से हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे गले पे जो मैंने काटा हुआ है ब्लाउज का। अब मैं इस पे इसको ऐसे सेट करके इस पे सिलाई करूंगी। हमको हल्के हाथ से एकदम सिलाई करनी है। बहुत ही आराम से हम इस पे सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया। अब इसके बाद हम पाइपिंग को ऐसे पलट के बनाएंगे। पाइपिंग हमको एकदम आराम से बनाना है जिससे कि वो फ्रेश बनेगा और पतला बनेगा। आप चाहें तो इसको और भी पतला बना सकते हैं, मैंने इसको पतला ही बनाया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बस आराम से ऐसे ऐसे हल्का हल्का मशीन चलाते जाइए और ये आसानी से एकदम अच्छे से बन जाएगा और बैठ भी जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो गले का पाइपिंग है वो बनके तैयार हो गया है और आप भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से बैठ भी गया है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, आप भी इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा जिससे मेरी अगले आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।